बकवास बंद कर हरामखोर और कान खोल कर सुन ले। बेकार की बातों में वक्त जाया नहीं करता है ये सफारुल्ला खान। एक बार बोल दिया तो काम खलास। अब देखना तुम वो डिफेंस मिनिस्टर जिंदा नहीं रहेगा, समझे? तुम फोन रख। अरे रखना। डायमंड ज्वेलरीज के ह्यूमन बम तैयार हो गया है। वो अगर 20 हुआ तो सेकंड चांस नहीं मिलेगा। जमीन पर से उठने वाली फ्लाइट के बारे में किसी को कोई खबर नहीं होगी। फैसला आसमां पे, समझे तुम? पापा जी। अरे आओ बेटा। पापा जी। अरे आओ ना। आशीर्वाद नहीं दोगे? किस खुशी में? सी एग्जाम में स्टेट भर में फर्स्ट आया हूँ। आपका सपना पूरा हो गया ना? ये सपना मेरा नहीं है बेटे, तुम्हारे पापा का सपना था। पापा का सपना? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं सच बोल रहा हूँ राहुल। कई सालों से मैं तुम्हें बताना चाहता था और आज मौका आया है बेटे। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ बेटे, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। तुम्हारे पापा तो बहुत बड़े आदमी थे, देवता थे। ए राहुल, तुम बहुत बड़े आदमी हो और तुम्हारे पिताजी शहर के रईस आदमियों में एक हुआ करते थे। अरे इस दुनिया में उनके जैसे नेक इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने कईयों की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाया है बेटे। यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब उनके ही टुकड़ों पर पलने वाले हैं और लोग उन्हें देवता कहकर पूछते थे। उनका एक दोस्त हुआ करता था रामचंद्र मोती और उसकी मां रेणुका वर्मा। दोनों ने उस भगवान को धोखा दिया, यानी कोरे कागज पर दस्तखत लेके उनकी सारी जायदाद को अपने अधीन में कर लिया, यहाँ तक कि उनका कत्ल भी कर डाला। और ये जो रेणुका वर्मा ने, उसने तुम्हारी माँ को जहर दिया है। तुम्हारी माँ किसी तरह उनसे बचकर 2 महीने की तुम्हें मेरे हवाले कर दिया। उस मोती की वजह से ही आज मैं टेररिस्ट बन के जी रहा राहुल, टेररिस्ट बन के जी रहा राहुल। इतने दिनों तक इस बात को मुझसे क्यों छुपाई आपने? तुम्हारे पापा की ख्वाहिश थी कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बने, वो तुम्हें काफी पढ़ाना चाहते थे और इसी प्रकार मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया। सुनो, अब वक्त आ गया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे पापा की ख्वाहिश अधूरी रह जाए, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द उनसे बदला लेना होगा और उस मोती को हमेशा मौत की नींद में सुला देना। और उसके बाद तुम्हारे पापा की सारी दौलत तुम्हें मिल जाएगी। मैं बदला लेके रहूंगा। ये लो, इसमें मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है और इस फ्लॉपी में वो सारे प्रोग्राम है, ये फोटोज। राहुल, एक और बात, मैं इसे तुम्हारे साथ भेजता हूँ। ऑपरेशन के खत्म होने तक तुम कुछ नहीं बोलोगे। पहले उस फैमिली को अपने विश्वास में लाओ। गेम शुरू होने से पहले उस परिवार के किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए। मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें अर्जुन बनकर रहना होगा। ऑल द बेस्ट। और तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। जिहाद जिंदाबाद। जिहाद कहते हैं जिहाद। बुलशिट। खाने पीने का ठिकाना नहीं है। हाथ में हथियार उठाकर मजहब के नाम में आतंक फैलाते हैं। वैसे इन आतंकवादियों को जड़ समेत उखाड़ कर फेंकना ही हमारा मकसद है। दिन ब दिन ये आतंक ही हमारे देश में दहशत फैलाते जा रहे हैं, इसलिए उनका नामो निशान मिटाना होगा। ये टेररिस्ट तो हमारे देश में आतंक फैलाना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसे हमें ट्रेस करना है। हमें फूंक कर कदम उठाना है क्योंकि हमारी हर बात उन तक पहुंच जाती है। ये सब इसलिए यहाँ हो रहा है कि हमारे कायदे कानून ठीक नहीं है। मुजरिम चाहे जो भी हो, उसे ऊपर के दबाव में आकर छोड़ देते हैं। यहाँ का कानून ही अंधा है। हमारे देश के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन टेररिस्ट लोग हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के ही अपना मेन टारगेट बनाते हैं। सारी धार्मिक संस्थाओं को बैन कर देना चाहिए और उन पर कड़ी से कड़ी नजर तक रखनी चाहिए। भारत में जितने भी विदेशी आए हैं, मोहम्मद गजनी से लेकर लूटपाट के इरादे से यहाँ पर आए हुए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारे देश के कुछ गद्दार लोग उनके साथ हैं। वैसे आप जानते होंगे कि टेररिस्ट लोग हमारे देश में आतंकवाद फैला रहे हैं। इसके पीछे उनका एक ही मिशन है कि वो कश्मीर को हमारे देश से अलग करना चाहते हैं और पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं, मगर कश्मीर हमारे देश का अखंड हिस्सा है। हम उनके हर मंसूबे को नाकाम कर देंगे। छुपे हुए टेररिस्ट को हमें ढूंढ निकालना होगा। बट वन थिंग, यहाँ पर जो बातें हुई है वो प्रेस वालों को या मीडिया वालों को नहीं पहुँचनी चाहिए। अगर पहुँच गई तो टेररिस्ट अलर्ट हो जाएंगे। वी ऑल शुड ऑपरेट वेरी कॉन्फिडेंटली। हम सब मिलकर इस देश की मिट्टी की कसम खाते हैं कि आतंक का अंत लाएंगे। अंत लाना ही होगा। दैव भक्ति और पुण्य का क्षेत्र है काशी और देशभक्ति के लिए कश्मीर है। इन स्थलों की मदद करनी ही होगी। हर हाल में हम उन्हें मिटाकर ही रहेंगे। जिहादियों को चैन से सोने नहीं देंगे। जय हिंद। मातरम मातरम। के तुम तो लल हो आज बुलाती है माता, तुमको रोक दो ये सब झगड़े और फसाद। रोको रोको इस देश भक्ति को दिल में जगा दो। प्यार का दीपक एक जला दो। जागो वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम मातरम। भाईचारा और प्यार मोहब्बत जल के हो गया राख यहाँ। जीवन इंसान का जानवर सा है, देवी माँ का डर है कहा। ऐसा अत्याचार करने को कोई धर्म नहीं सिखलाता। इंसान कैसे ये भूला है, देना है उसको भी जवाब। मरने के बाद होगा कर्मों का हिसाब। रखना तू याद बंदे बंदे। बंदे बंदे भारत माता की पावन धरती को कुछ दरिंदों ने न किया। बापू जैसे इंसान को भी तो इन दरिंदों ने ना छोड़ा। आओ आज हम एक हो, तोड़े ऐसी जंजीरों को। टूटे जो भी इस देश को, पहुंचाए उसको अंजाम तक। आज लेते हैं शपथ ये इस मिट्टी की, होगा राज इस धरती पर। होगा 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 होगा। वंदे वंदे। भारत माता के तुम तो लाल हो आज बुलाती है माता, तुमको रोक दो ये सब झगड़े और फसाद। रोको रोको इस देश भक्ति को दिल में जगा दो। प्यार का दीपक एक जला दो। जागो वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम 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 वंदे मातरम मातरम। ठीक है वो क्या है कि थु, 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 मैं बाद में बात करता हूँ। किसका इंतजार कर रही हो माँ? बा, 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 बा। मूर्ति तुम में जरा भी जिम्मेदारी नहीं है। क्या बात है माँ, ऐसा क्या हो गया? क्या हुआ? आज सुरभि को देखने के लिए बिलासपुर वाले आ रहे हैं, तुम्हें कुछ याद है क्या? वो सब मुझे याद है माँ, मीटिंग खत्म होते मैं घर वापस आ जाऊंगा। मगर जल्दी से घर आना बेटे। एक बात सुन लो बेटा, ऐसा सुनहरा मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता है। मीटिंग बाद में भी रख सकते हो, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है। मेरी प्यारी माँ, माँ तुम तो अच्छी तरह जानती हो उनको आने में पूरा 1 घंटा बाकी है। खामखा तुम अपना टेंशन मुझ पर क्यों ट्रांसफर कर रही हो? हाँ, क्या बताऊं बेटे, मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए। मूर्ति मैं मरने से पहले उसके बच्चों के साथ खेलना चाहूंगी। आज मेरे उन सपनों को साकार कर दे बेटा। अरे तुम भी माँ ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए क्यों इमोशनल हो रही हो? अरे माँ मैंने आपको भेजा ये देखने के लिए कि वो लोग आए कि नहीं, और तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या बातें कर रही हो अपने बेटे से? क्या थोड़ी देर चुप रहोगे? फर्स्ट इनिंग माँ ने शुरू की है, अब दूसरी इनिंग तुम शुरू मत करना बोल दिया। ये बताओ सुरभि कहाँ है? सुरभि बेटी, आज तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में लक्ष्मी देवी सामने आकर खड़ी हो गई हो। कितनी प्यारी लग रही हो तुम। ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी के बादल क्यों मंडरा रहे हैं? आखिर क्या हो गया तुम्हें? तुमने पाँव में मेहंदी तक नहीं लगाई। इस तरह खामोश क्यों खड़ी हो सुरभि बेटा? बोलो ना। मम्मी रो मत बेटा, रोना नहीं है। क्या बात है, क्यों रो रही हो? हाँ, आ। मैं जानती हूँ बेटी, शादी के बाद हमसे बिछुड़ जाएगी, यही सोचकर तुम्हारा मन दुखी हो रहा है ना? पगली कहीं की। लो सुनो बेटी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, हम सब है ना तुम्हारे साथ। चलो पियो। देखो सुरभि, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, हम तुम्हें संभाल लेंगे, सब ठीक हो जाएगा बेटी। वो लोग आने वाले हैं, जल्दी तैयार हो जाओ। वो नंदिनी कहाँ गई? नंदिनी, 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 मम्मी क्या? मम्मी लड़के वाले आ रहे हैं विलासपुर से, और तुमने क्या हाल बना रखा है कमरे का? हे राम, क्या कहा? मुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। मेरा दिल कितनी अच्छी तरह समझती हो मम्मी, ये so sweet, but तुम्हें देखने नहीं आ रहे हैं। मुझे सब पता है मम्मी, आप क्या बोलने वाली हैं, मेरी उम्र ही ऐसी है। तुम्हें देखने के लिए नहीं, तुम्हारी दीदी को देखने के लिए आ रहे हैं विलासपुर से। ये क्या मम्मी, दीदी के लिए सोच रही हो? मैं भी 13 साल की हो गई हूँ, मेरे लिए भी कुछ सोचना शुरू करो। ऐसा करो, एक बहुत अच्छा सा लड़का ढूंढना शुरू कर दो मेरे लिए। अरे मेरी माँ, ये सच है कि लड़के वाले आ रहे हैं, पर सुरभि को देखने के लिए, तुम्हें देखने के लिए नहीं। मम्मी हे भगवान, क्या मम्मी मैं मजाक कर रही थी, गुस्सा क्यों हो रही हो मम्मी? हाँ दीदी की शादी हो जाएगी तो उसके बाद मेरा ही तो नंबर आएगा ना। जब शादी होगी ना मम्मी, तो आपको भी मेरे साथ ही चलना होगा। ये कैसे मुमकिन है? वेरी सिंपल, मुझसे जो शादी करेगा मैं उसको कह दूंगी कि वो यहीं पे आके रह ले हमारे साथ ही। हे भगवान, 20 साल से मैं भी तेरे पापा के साथ जिंदगी बिता रही हूँ, पर मैं इतनी मुंहफट लड़की नहीं थी, आज तक ऐसी बातें नहीं की हमने। मुझे तो शर्म आती है इन सब से। तुम्हारे पापा पश्चिम है तो दीदी पूरब, तुम उत्तर हो तो दादी दक्षिण में, तुम सबके बीच में मैं फंस गई हूँ। कब छुटकारा मिलेगा मुझे? क्या है जी, अभी आई, लड़के वाले आ गए हैं, तुम जल्दी जाके सुरभि को ले आओ। आओ बेटी, यहाँ बैठो। क्यों, पसंद है? पसंद है। तुम्हें पसंद है? मोती जी, आपकी बेटी हमें पसंद है। देखिए, अब हम आपका फैसला जानना चाहते हैं कि आगे क्या करना है। सुरभि, तुम्हारी राय क्या, बताओ। बोलो बेटा। देखिए मुझे भी लड़का होके बहुत खूब। आज मैं बहुत खुश हूँ मोती साहब, सुरभि की सगाई के शुभ अवसर पर मैं नाचूंगा और सबको नचाऊंगा। कहीं आज सुबह तुम्हारा मुंह तो नहीं देखा था। मोती जी, मेरा बेटा आपकी बेटी से कुछ बातचीत करना चाहता है, इफ यू डोंट माइंड। माँ, अगर तुम बुरा ओके ओके। सुरभि, वो तुमसे अकेले में बात करना चाहते हैं, जाओ। चलो दीदी। ए नंदिनी, तू कहाँ बोली, बैठ जाए। डैडी, मुझे भी जाने दो ना। देखो जमाई राजा सुरभि से बात करना चाहते हैं तुमसे। लो ना। नहीं, मेरा ख्याल है थाली बदल के हम लोग सगाई की रस्म को पक्का कर ले तो बेहतर होगा। क्या चट मंगनी पट बिया, व्हाई नॉट। उधर देखिए, दोनों एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं। hey, what do you say? ऐसे खुशी के मौके पे अब सोचना क्या, हमें भी तो बच्चों की खुशियां ही चाहिए ना। फिर भी इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। वैसे घर के बुजुर्गों और चार रिश्तेदारों से भी आशीर्वाद लेना जरूरी होता है ना। देखिए मेरे बेटे के लिए कहां कहां से कितने रिश्ते आए, पर क्या करें, ऐसे तो तुम्हारी बेटी ही पसंद है। वैसे मेरा बेटा सतीश लॉस एंजल्स से 1 महीने की छुट्टी पर आया हुआ है, वापस खाली न जाए इसलिए इन दोनों की शादी करवा कर इन्हें वापस भेज देते हैं। एक्सक्यूज मी सर, आई डोंट हैव मच टाइम सर। क्या आपने इन्हें नहीं बताया, इसी महीने की 15 तारीख को मुझे अमेरिका वापस भी जाना है सर। अगर आप इस तरह फॉर्मेलिटीज को फॉलो करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी सर। अगला ही मुहूर्त में हमारी शादी करा दीजिए। देखो बेटा, ये शादी तो कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, तुम अच्छी तरह जानते हो ना। अरे छोड़िए, मान जाइए ना। जोड़ी अच्छी है, मान जाओ मोती। देखिए मान भी जाइए ना। प्लीज मान जाइए ना। खैर ओके, जैसी प्रभु की इच्छा सब ठीक होगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। शुभस्य शीघ्रम। प्यार, अपनापन सब ऊपरी दिखावा है, मन में कुछ नहीं है। इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ मैं, पर मुझे पता है तुम भूल जाओगे। अच्छा रिश्ता है इसलिए मुझे मंजूर है, और अब क्या देखना है। अरे सुनो, सुरभि तुम्हारी बेटी जैसी ही है ना, अगर तुम नहीं आती तो इतना अच्छा रिश्ता मिलता क्या, तुम ही बोलो। आंटी आंटी, सॉरी आंटी, सॉरी बोल दिया ना। सॉरी लक्ष्मी। चल कोई बात नहीं, बस तू खुश रहे, यही मेरे लिए सब कुछ है। सुन, हाईवे पे गाड़ी ठीक से चलाना सुरभि, संभाल के, ओके। और सुन, दादी माँ का ख्याल रखना। ओके लक्ष्मी, अपना का ख्याल रखना। हम जल्दी आ जाइए। हाँ समझ गए, बाय। ओके आंटी। अचानक ही क्या हो गया? सुरभि तुम ठीक हो ना? सुरभि, हे भगवान, पता नहीं किसका चेहरा देख के निकले थे। क्या हो गया है? टायर ऐसे चेहरे भी नीचे है। देखो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ तुम तो ठीक हो ना? मम्मी टायर पंचर हो गया है। ओह, अब क्या करें? चिंता मत करो, कुछ कर लेंगे। जानकी देखो, मदद के लिए बच्चे आ गए हैं। हमारी गाड़ी का टायर बदल जाते हैं। ये तो गुंडे लग रहे हैं। सकल सुरभि, तुम लोग, तुमने पुकारा और हम चले आए। जान हथेली पर लेकर दौड़े दौड़े चले आए। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। बोलो सरकार, क्या कहना चाहती हो? सो चलो मारेंगे जप्पी। कमाल की बुढ़िया है, तुम्हें छोड़ेंगे, पूरा मजा उठाएंगे। आओ ना अम्मा, यार तुम क्यों फिक्र करते हो, चलो आओ गाड़ी में बैठ जाओ। आप लोग जाइए, हाँ बैठिए जाइए। इसको तो मान गए, ये तो कमाल का आदमी है। आज्ञा दें श्रीमान। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको हमेशा याद रखूंगा। बेटे, सही समय पर आकर तुमने हमारी जान और इज्जत दोनों की रक्षा की। ऐसी बात नहीं है, भगवान हमेशा भक्तों का ख्याल रखते हैं। मेरा नाम सावित्री है और ये है मेरा बेटा राहुल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं जानकी, ये मेरी सासू माँ, ये मेरी बेटी सुरभि। नमस्ते। और ये नंदिनी। नमस्ते माँ। आप चले क्या? हाँ ठीक है बेटा। आप कहीं जाने की जल्दी में थी, फिर भी हमारी मदद की। इसे जल्दी हॉस्टल पहुँचना है। हॉस्टल पहुँचना है? जी बहन, हम लोग चिकमंगलूर के हैं। मेरे बेटे राहुल को यहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली, इसलिए इसके लिए कोई अच्छा हॉस्टल देखने जा रही हूँ। मैं पहली बार हम लोगों से दूर आ रहा है, पता नहीं हॉस्टल में खुद को संभाल पाएगा या नहीं। आपको कोई ऐतराज नहीं है तो ये हमारे साथ रह लेगा और हमें बड़ी खुशी होगी। अरे वाह, ये तो मेरे दिल की बात छीन ली आपने। तो बैठिए ना गाड़ी में। क्या मम्मी, टायर पंचर हो गया है? तो क्या हुआ, हमारी गाड़ी है ना, चलो बैठो। किसी मैकेनिक से कहकर आपकी गाड़ी को टो करके ले जाएंगे। हाँ ठीक कहा, चलो बेटा। गाड़ी को ठीक से लॉक कर देना। ठीक है मम्मी, आपकी बेटियाँ बहुत समझदार है। माँ जी आप बैठिए। नंदिनी तुम आगे बैठकर इन्हें रास्ता दिखाओ। ठीक है मम्मी। देखो बहन, हमारे घर में सारी फैसिलिटी है, तुम्हारे बेटे को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो तुम्हारा ही बेटा है। सुनिए जी, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, माँ ने बता दिया है। अरे वो बात नहीं, ये है सावित्री। नमस्ते। और ये उनका बेटा राहुल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओह। ये इसे छोड़ने हॉस्टल में जा रही थी तो मैंने कहा कि हम अपने घर में ठहरा लेंगे और मैंने ले आई। ये सब मुझे पूछने की क्या जरूरत है? मेरी प्रेस्टीज, इस घर की आबरू, मेरा जो कुछ भी है सबकी मालकिन तुम ही तो हो। तुम्हारा जो भी फैसला, मेरा जो भी फैसला, सब एक ही है। मेरे घर वालों को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ, एक मिनट। अब बुरा मत मानना, होम मिनिस्टर जी लाइन पर है। ओके हाँ बोलिए। सूर्य देवता तुझको नमस्कार, कृपा तेरी होती अपरंपार। सूर्य देवता तुझको नमस्कार, कृपा तेरी होती अपरंपार। प्रातः को तेरे दर्शन मन को बनाते बलवान, तुझको करके प्रणाम जीवन होता सफल। सूर्य देवता तुझको नमस्कार, कृपा तेरी होती अपरंपार। सुबह सुबह माता का आशीर्वाद, सर पे मेरे पिता का हम देता सुखद एहसास। हर जन्म में मिले मुझे ऐसे माँ बाप, मैंने ईश्वर से बस इतना ही मांगा, मुझे मिल गया स्वर्ग इस धरती पर, जीवन हो गया सफल मेरा। सूर्य देवता तुझको नमस्कार, कृपा तेरी होती अपरंपार। सुख मेरे दिल से पूछो, हाथों में तेरे क्या जादू, तकदीर मेरे जैसी हो। मेरे पिछले जन्म के हैं कुछ ऐसे पूर्ण, जो आप जैसे मिल गए मुझको माँ बाप, मुझे मिलता बुजुर्गों का आशीर्वाद, नजर ना लगे इस परिवार को। सूर्य देवता तुझको नमस्कार, कृपा तेरी होती अपरंपार। प्रातः को तेरे दर्शन मन को बनाते बलवान, तुझको करके प्रणाम जीवन होता सफल। जब देखो ये पुराना ग्रामोफोन और बिजनेस के लिए लेटेस्ट लैपटॉप। हे भगवान, पकड़ो तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। देखो हाँ, हमारे आउट हाउस में जिसको हमने ठहराया है ना, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। अरे मैं तो भूल ही गया। अच्छा ये बताओ, क्या नाम बताया था उस लड़के का तुमने? राहुल। राहुल सच ए नाइस बॉय। ऐसे कुछ भी हो, उसके माँ बाप बहुत अच्छे हैं। उनसे बात करके ऐसा लगा कि अच्छे खानदान के लोग हैं। लड़का भी बहुत अच्छा है। सच पूछो तो मुझे तो लड़का बहुत अच्छा लगा। सुनो, हमारी सुरभि की तो शादी तय हो गई, अब रह गई नंदिनी। नंदिनी के लिए ये लड़का बहुत अच्छा रहेगा। राहुल जैसा लड़का बोले तो राहुल ही। तो तुम इस बात को लेकर टेंशन हो रहे थे? अरे भगवान, टेंशन को गोली मारो। सुरभि के बाद उसकी शादी हो जाएगी। लड़का तो लाखों में एक है। वाह वाह। माँ जी क्या हो गया आपको? माँ जी आप बोलती क्यों नहीं? माँ जी आपको क्या हुआ? माँ जी आँखें खोलो। माँ जी क्या हो गया? किसी को बुलाओ। माँ जी को कुछ हो गया, जल्दी कुछ करो। माँ जी माँ जी खोलिए ना दादी माँ। एक मिनट मैं देखता हूँ। अरे बता तो सही। आँखें खोलिए दादी माँ, आँखें खोलिए दादी माँ। जुरक धक्के लग जाइए जी। संभल के, संभल के। पैरों को नीचे रखो जल्दी। घबराओ मत बेटी, घबराओ मत। आइए डॉक्टर, आइए आइए डॉक्टर। कुछ नहीं होगा बेटी, शांत हो जाओ। ये बताइए, आपने इन्हें दवा दिया नहीं? हाँ, दवाई देने के बाद ही इनकी हालत ज्यादा खराब हो गई। नथिंग टू वरी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। ये बताइए कि फर्स्ट एड किसने दी? ये हमारे राहुल ने दी। आई सी, वेरी गुड। सही वक्त पे ट्रीटमेंट मिल गया। एक काम कीजिए, शाम को क्लिनिक पर ले आइए, चेक कर लेंगे। ओके ओके डॉक्टर। चलता हूँ सर। थैंक यू डॉक्टर। कैसी हैं आप? थैंक यू। अगर थैंक्स देना है तो इनको दो भाई, मुझे नहीं। थैंक यू जर्मन, सी यू, बाय बाय। राहुल बहुत शुक्रिया। अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो मेरी बूढ़ी मां सबको छोड़कर चली गई होती। अरे सर ये क्या करें आप, ये तो मेरा फर्ज था। चलता हूँ। थैंक्स बेटे। चले क्या? चलो माँ। दादी माँ लीजिए प्रसाद। अरे मैं मोटी बात कर रहा हूँ। चढ़ जाएगी, चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। टेंशन छोड़ो। ठीक 12 बजे मैं संजीवनी होटल आ जाऊंगा और अपनी बिजनेस डील पूरी कर देंगे। हाँ डैडी। हाँ? आज कोई बिजनेस डील नहीं। ड्रेस सिलेक्शन के लिए आपको मेरे साथ आना है। भूल गए क्या? मैं तो भूल ही गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मेरा वहाँ पर जाना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं उसे पोस्टपोन भी नहीं कर सकता। कहा ना मेरा जाना जरूरी है। हद हो गई, अब मैं परचेसिंग कैसे करूँगी? मैं तो फंस गया। माँ जी, माँ जी। हाँ। अब मैं नहाने जा रही हूँ, उससे पहले आप दवा ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ। जानू एक काम करो, सुरभि के साथ जाके शॉपिंग करके आओ। हाँ तुम जाकर पहले नहा कर आओ, मुझे इनविटेशन देने के लिए जाना है। तुम जाओ सुरभि के साथ शॉपिंग करने के लिए। आराम से आओ। यस डैड। ये दवा खाने के इधर आओ बेटी। क्या बात है डैडी? आई नीड योर हेल्प। और टीवी देखने दीदी के साथ तुम भी शॉपिंग के लिए जाओ ना। बिल्कुल नहीं डैडी, मेरी स्पेशल क्लासेस हैं। ये स्पेशल क्लास आज ही आना था, अब क्या करूं? राहुल, राहुल मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कहिए सर। अगर तुम थोड़ी देर के लिए खाली हो तो सुरभि को शॉपिंग करवा के लाओ ना। ओके सर। थैंक यू, थैंक यू। सुरभि तुम राहुल के साथ जाके शॉपिंग करके आओ। डैडी दीदी के साथ मैं भी जाऊंगी। अभी तो बोली स्पेशल क्लास है। ठीक है तुम भी हो आओ, तुमने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी। चलता हूँ, बाय। क्या चाहिए मैडम? दरअसल मुझे सारी दुकान खरीदनी थी। ओनर ही बता सकते हैं। रहने दो, मुझे सिर्फ चूड़ीदार दिखाओ। ओके मैडम, यहाँ पर देखिए। भाइयों और बहनों, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अनिल ज्वेलरी शॉप का उद्घाटन करने के लिए हमारे राज्य के रक्षा मंत्री पधारने वाले हैं। आप सभी से अनुरोध है कि भारी से भारी संख्या में पहुंचकर आयोजन को सफल बनाएं। आपने सेलेक्ट कर लिया। सुरभि अच्छी तरह देख के जो पसंद है ले ले। अरे नंदिनी सब तो अच्छे हैं, किसे सिलेक्ट करूं मैं? अच्छा तो ठीक है दूसरी जगह चल। अरे मजाक मत करो, सिलेक्ट करो ना। रक्षा मंत्री राघवेश अस्थाना के कर कमलों से अनिल ज्वेलरी का उद्घाटन होने के पश्चात जो भी ग्राहक यहां से खरीद करेंगे उनको एक विशेष डिस्काउंट दिया जाएगा और साथ में एक सोने का सिक्का उपहार में भी मिलेगा। मैं ट्रायल देख के आती हूँ। ऐसे क्या देख रहा है? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया। घर में मार नहीं है क्या? मैंने कुछ नहीं किया मैडम। क्या देख रहा है? बेशरम, अभी बताती हूँ तुझे। क्यों मारे हैं आपको? हाँ? लोफर कहेगा? मैंने कुछ नहीं किया। अरे आपकी दुकान पे इस तरह के लोगों को रखोगे तो आपकी दुकान की सेल कम हो जाएगी। मेरी बहन जब कपड़े बदल रही थी तो ये छुप छुप के देख रहा था। सॉरी मैडम। आपको सॉरी किसे चाहिए? ये छोड़ो भी। कॉल द पुलिस। प्लीज मैडम, पुलिस आएगी तो हमारी रेपुटेशन पूरी खराब हो जाएगी। हमारी इज्जत से ज्यादा तुम्हें रेपुटेशन की पड़ी है। आप कहती हो तो मैं उसे अभी नौकरी से निकाल देता हूँ। अरे बोल दिया ना, जाने दो। आप बोलिए सर, इतनी छोटी सी बात को बदनाम क्यों बना रही हैं आप? यूँ पुलिस को तुम यहाँ बुलाओगे, पता है क्या होगा? इनकी बदनामी हो जाएगी और इनकी दुकान भी बंद हो जाएगी। सुनिए सर, पहले आप उस लड़के को नौकरी से निकाल दीजिए। अभी निकाल देता हूँ। चलो आप चलते हैं। थैंक यू सर। मामा थोड़ा और डालो ना। माँ जी ये ज़्यादा मत दीजिए। वो नहीं माँ, एक पीस डालो ना। थैंक यू। सुनो बेटी, वहाँ से वो तो देना जरा। माँ जी जरा कचौड़ी दीजिए। हटाओ दुकान को, मैं एक बार सील मार चुका हूँ। उसके लिए हिम्मत चाहिए डैडी, हिम्मत। ज्यादा चावल मत खाइए आप, शुगर चढ़ जाएगी। एक तरफ डाइट की बातें करती हो और इतना सारा खाना खाती हो। समझाओ अपनी बेटी को, कहीं मोबाइल न खा जाए। ये क्या कर रही हो तुम? जब देखो बाप की तरह मोबाइल पे लगी रहती हो, खाने के समय गेम्स पे लगी हो। मोबाइल को छोड़ के खाना खाओ पहले। लास्ट की मम्मी, कोई लास्ट नहीं फर्स्ट नहीं, पहले मोबाइल छोड़ो खाना खाओ। अरे ये क्या हुआ तुम्हें? एक खाने दो ना बेचारी नंदनी को। ये बेचारी है। अच्छा कहा आपने, हमने सुरभि के लिए लड़का देख लिया है, अब इसके लिए भी देख ले, फिर पता चल जाएगा घर में रहने का क्या होता है। बहन, सुरभि के लिए लड़का देख लिया आपने, अब इसके लिए कुछ सोचो। लड़का कहीं का भी मुझे क्या, वैसे राहुल जैसा लड़का मिल जाए तो आई डोंट माइंड। ओके सर, थैंक यू। ओके, एवरीथिंग इज डन सर। या कौन है वहाँ? ऐश्वर्या राय। क्यों जी, आपको ऐश्वर्या राय बहुत पसंद है क्या? इतनी देर से आपका दरवाजा खटखटा रही थी, आपको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था। ऐश्वर्या राय कहते ही आपने तुरंत दरवाजा खोल दिया। अच्छा, आंटी जी कहाँ हैं? पापा मामा घर पे नहीं है, दोनों गांव गए हुए हैं। नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वाओ, ग्रेट टेस्ट। ब्रेड जैम। ओहो, मैं तो भूल ही गई। राहुल, मम्मी ने ज्वेलरी जाने को कहा था, तुम मेरे साथ चलोगे ना? चलोगे ना राहुल? ब्रेड जैम खाना मत भूल जाना। यस सर। जी हाँ सर, ट्रैफिक को कंट्रोल कर लिया है सर। 1 घंटे में मंत्री जी यहाँ से गुजरने वाले हैं। ए, उधर क्या कर रहा है? स्टॉप स्टॉप स्टॉप। मम्मी, बात क्या है? मैं पता लगा क्या थी। नहीं बेटा, तुम यहीं बैठी रहो। चुप रहो मम्मी। नंदिनी। ए मैडम, आगे रोड ब्लॉक है, उधर कहाँ जा रही हैं आप? रोड ब्लॉक है ये तो मुझे भी पता है, लेकिन रोड किसके ब्लॉक है ये जानना चाहते हैं। इधर उधर डिवाइडर रख के हम लोगों का टाइम क्यों खराब करते हैं? जरा ठहरो, जरा ठहरो। डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेशन के लिए आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए ही रोड ब्लॉक की गई है। नंदिनी, मिनिस्टर के लिए सिक्योरिटी लगी हो तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें अपनी ड्यूटी करना है, करने दो। तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रही हो? चलो तुम। देखिए मैडम, डिफेंस मिनिस्टर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है। कल को कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा, इसीलिए सिक्योरिटी टाइट की गई है। कोई आतंकवादी हमला ना हो, इसीलिए हम यहाँ पर डिप्यूट किए गए हैं। और हम अनिल ज्वेलरी शॉप के इनाग्रेशन के बाद बाकी सारे रूट खोल दिए जाएंगे। उसके बाद अगर आपको जल्दी है तो फिर आप दूसरे रूट से जाकर निकल जाइए, यहाँ पर खड़े होकर रास्ता मत घेरिए। चलिए आप और बढ़िए, रास्ता खाली कीजिए। चलिए फौरन आगे बढ़िए, गाड़ी बढ़ाओ, ड्राइवर रास्ता खाली कीजिए फौरन। वापस चलते हटिए, हाँ हटिए हटिए जल्दी। आस्था टीवी रखो दादी, ये आस्था टीवी नहीं LG टीवी है। चुप कर। हे भगवान, तुझे क्या हो गया है? इस तरह चैनल क्यों बदल रही है? थक देख लो न्यूज चैनल। नमस्कार, रविता भाटिया से सुनिए विशेष समाचार। आज रक्षा मंत्री श्री राघवे आस्थाना अनिल ज्वेलरी के उद्घाटन के लिए FG रोड पर आए थे, मगर उद्घाटन से कुछ सेकंड पहले वहां एक जोरदार बम विस्फोट हुआ, जिसमें रक्षा मंत्री तो बाल बाल बच गए, मगर उनका बॉडीगार्ड विनय सिंह चंदोला और पर्सनल सेक्रेटरी कृष्णा का घटनास्थल पर ही देहांत हो गया। पुलिस ने घटनास्थल से 25 डेटोनेटर और RDX बरामद किए। अनिल ज्वेलरी शॉप के मालिक अनिल कुमार को भी गहरी चोटें आई है और उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे संवाददाता मीना मित्तल इस वक्त अपोलो हॉस्पिटल में हैं। हम उनसे संपर्क करके आपको अधिक जानकारी देंगे। हम अभी कोशिश करते हैं। हेलो मीना मित्तल, मीना मित्तल क्या आप मम्मी रही हैं? अगर हम लोग सब इस कॉम्प्लेक्स में गए होते तो मर गए होते। मीना मित्तल से संपर्क। हे भगवान, यहाँ पे क्या हो रहा है? मुझे भी कोई कुछ बताओ। दादी, सुबह हम लोग इसी ज्वेलरी शॉप जाने वाले थे, वहाँ बम विस्फोट हो गया है। हे भगवान, अच्छा हुआ आज अगर पुलिस अफसर ने हमें नहीं रोक लिया होता तो मरने वालों की लिस्ट में हम भी होते। बंद कर, ऐसी बातें नहीं करना। मारने वाला इससे बड़ा बचाने वाला होता है। देख लिया ना, आज हमने अगर रास्ता नहीं बदला होता तो हमारा भी यही हाल होता। हमारे देश में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना मम्मी। राहुल आ गया, अरे उससे कुछ मत कहना। हाय राहुल, हम लोग जिस कॉम्प्लेक्स में गए थे ना, उस कॉम्प्लेक्स में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। कॉफी तो पी के जाओ। नो थैंक्स। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तुमने। कौन सा प्रश्न? वही ब्रेड, जैम, कंप्यूटर। जाओ जाओ, कब तक बच पाओगे? खुशियाँ है आई तेरे आने से घर में रौनक आई। आज तो दिल ये मेरा फूला ना समाई रे, घर में है खुशियाँ ऐसी आई हम तुम्हार रे। सातों रंगों की हो गई है जैसे बरसात, इस घर में आज खुशियाँ है आई। तेरे आने से घर में रौनक। तो धन पर आया है, मेरी है ये दुआ, ईश्वर दे आशीर्वाद। हम सब के लाडों पर आई हो चली, भर जाए तेरी सुखों से झोली। छम छम नाच जिया, इस घर में आज खुशियाँ है आई। तेरे आने से घर में रौनक। कितने प्यारे हैं, नजर ना लग जाए तुमको जमाने की। मेरी भी आँखों के तारे तुम, बेटा तुम दोनों को शादी मुबारक हो। दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाए, जीवन की राहें फूलों से सजे। मुझको तो धरती पे स्वर्ग मिला, इस घर में आज खुशियाँ है आई। तेरे आने से घर में रौनक आई। आज तो दिए मेरा फूला ना समाई रे, घर में है खुशियाँ ऐसी आई हो तुम्हारे रे। सातों रंगों की हो गई है जैसे बरसात, इस घर में आज खुशियाँ है आई। पापा मम्मी का ख्याल रखना, उनके बारे में मत सोचो। जीजा जी, मेरी दीदी का अच्छी तरह ख्याल रखना। डोंट वरी, मैं ख्याल रखूंगा। डिफेंस मिनिस्टर हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी। मैं पहले अंदर जाकर देखता हूँ, तुम लोग बाद में आना। जल्दी आओ। नंदिनी, क्या तुम राहुल से सचमुच प्यार करती हो? और वो, अरे पगली लड़की, सुनो, राहुल से अपने दिल की बात कह दो तुम, नहीं तो वो किसी और से शादी कर लेगा। मेरी बात सुनो, आज ही उसे पूछ डालो। आप देखिए दीदी, आज तो उसका जवाब मैं लेके ही रहूंगी। अब चलिए दीदी, टाइम हो रहा है। नंदू, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, बाय। बाय दीदी। राहुल, एक मिनट गाड़ी रोको, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मेरे बारे में क्या सोचा है तुमने? जिंदगी में किसी से प्यार किया तो सिर्फ तुम ही हो। ये जिंदगी मैंने तुम्हारे नाम लिख दी है। तुम मेरी जिंदगी का पहला प्यार हो। मेरे दिल को ठुकरा मत देना। हरगिज़ नहीं। देखो नंदिनी, मुझे तो इस प्यार शब्द से भी बहुत नफरत है, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है, वो प्यार नहीं पागलपन है। करेक्ट, ये प्यार का ही तो पागलपन कहा जाता है। तुम्हारे प्यार का पागलपन। प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है नंदिनी। प्यार और जंग में सब जायज होता है ना, इस बारे में क्या कहते हो? वैसे मेरे माँ बाप की पसंद ही मेरी पसंद है। थैंक यू। अपने मम्मी पापा से कहूंगी कि तुम्हारे मम्मी पापा से जाके हम दोनों के रिश्ते की बात कर लें। नंदिनी, एक बात पूछूं, क्या मैं तुम्हारे लायक हूँ? देखो, कोई किसी के लायक नहीं होता, उसे जबरदस्ती लायक बनाया जाता है। डोंट वरी, मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। अब चले क्या? फोटो को जवाब दो मुझे। क्या बताओ बेटी? पता नहीं क्या हुआ, जवाब दो। राहुल, सुरभि और सतीश जिस फ्लाइट में जा रहे थे, वो फ्लाइट टेक ऑफ में एकदम ब्लास्ट हो गया, टुकड़े हो गए, उसमें कोई भी नहीं बचा है बेटे। सर, आप धीरज रखिए। वो जो फ्लाइट जा रही थी उसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी थे। उनको मारने की बेरहम टेररिस्ट ने उस फ्लाइट को ब्लास्ट कर दिया। बदकिस्मती से उसमें मेरी सुरभि और सतीश भी थे, वो कभी वापस नहीं आएंगे। सुरभि मेरी बच्ची। सर, ये कैसे? अगर आप इस तरह हिम्मत हारेंगे तो? अगर मुझे पहले से ही पता होता तो सुरभि और सतीश को मैं कभी उस फ्लाइट में नहीं भेजता, कभी नहीं भेजता। सबको सांत्वना देने के बजाय अगर आप इस तरह बच्चों की तरह रोते रहेंगे तो फिर दूसरों को क्या होगा? सर लीजिए, सर चाय पीजिए, प्लीज लीजिए ना। जिसे हम चाहते हैं वो कभी हमसे दूर नहीं जाते हैं, वो तो हम लोगों के साथ ही। नंदिनी, इस तरह रोती रहोगी तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अगर तुम चाहती हो इसकी आत्मा को शांति मिले तो तुम्हें ये रोना बंद करना होगा। नंदिनी, नंदिनी तुम जाके तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। उठो ना। अरे देख यार, तेरी नंदिनी आ गई, लेकिन वो तो किसी और के साथ आ रही है। तू तो बोलता था कि वो तुझसे प्यार करती है, लेकिन मुझे कोई यकीन नहीं हो रहा है। आमा यार, तुम यहाँ खड़े हो और वो किसी और के साथ गुलछरे उड़ा रही है। तुम यहाँ बैठ के हवा महल बनाते रहो, लेकिन वो किसी और के महल की राजकुमारी बन गई है। देख, अपनी आंखों से अच्छी तरह से देख ले। सुनो नंदिनी, जो भी हो उसे भूल के पढ़ाई में ध्यान लगाओ। ओके बाय। नंदिनी रुक जाओ। देखो, मेरी सब्र का इंतहा मत लो। कौन था वो बताओ। That's none of your business. Look, this is absolutely my business because I love you. But I don't. क्यों? वजह क्या है? जब से तुम इस कॉलेज में आई हो जानती हो, तब से मैं तुम्हें प्यार करता आ रहा हूँ। जब से ये लौंडा कॉलेज में आया तब से तुम मुझे किनारे करने लगी हो। अगर तुम प्यार करोगी तो सिर्फ मुझसे करोगी, वरना मैं तुम्हें गो टू हेल। अब मैं क्या बताऊं, हम सोचते कुछ है। हेलो, मैं बाद में बात करता हूं। नंदिनी। डैडी। क्यों बेटी, लगता है तुम्हें दीदी की याद आ रही है? आओ, पिछले 20 साल से मैंने इन्हीं हाथों से उसको पाल पोस के बड़ा किया। मुझ पे क्या गुजरती होगी, तुम्हारी माँ पर भी क्या गुजरती होगी। जानती हो, तुम्हें देखकर ही मैं उसे भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन बेटी, अगर एक आंख की रोशनी चली जाए तो बताओ दूसरी आंख को फोड़ देते हैं क्या? मैं तुम्हें पहले की तरह हंसते खेलते देखना चाहता हूँ बेटी। प्लीज कोशिश करो, प्लीज। खाने के समय में चाय पी रहे हैं आप। कॉलेज होके आई ना? ओह, आओ राहुल। नहीं डैडी, कॉलेज में वो सुरेश मेरे साथ बदतमीजी करता है। अच्छा, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? एक मिनट ठहरो। हेलो राहुल, चाय लाऊं तुम्हारे लिए? हेलो, एक मिनट। कॉलेज में ये सब आम बात है। इतनी छोटी सी बात को राय के पर्वत क्यों बना रही हो तुम? पहले से ही पापा मम्मी बहुत दुखी, जानती हो ना तुम। लो बेटे, देखो बेटा राहुल, अब तुम ही इसे समझाओ। इम्पॉसिबल। तुम्हारे पिताजी तो जेंटलमैन हैं और उसकी मौत से तुम्हारे पिताजी का कोई संबंध नहीं है। हाँ सच है, लेकिन बेटी की हालत सोचकर कौन से पिताजी चुप रह सकते हैं। अच्छा, इन सब बातों का जिक्र अपने पापा से मत करो तुम। जानती हो ना, वो पहले से बहुत दुखी हैं। इट्स ओके, ये सब भूल कर तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओ। ओके। मे आई कम इन? सर आप? डैडी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? नंदिनी, तुम यहाँ कैसे? इनसे मिलने आई थी डैडी। हाँ डैडी, मैंने आपको बताया था ना, सुरेश जो मुझे परेशान कर रहा था, उसने आज कैंपस में सुसाइड कर लिया डैडी। आई सी। कल रात ही मैंने तुम्हारे प्रिंसिपल को फोन करके कहा था कि उसको चेतावनी दे देना। नंदिनी, मैं राहुल से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ओके डैडी, बाय। क्या बात है सर, ड्यूटी खत्म हो गई ना? हाँ। एक काम करते हैं, बाहर जाके आराम से बात करते हैं। चलो। ओके सर। सर, ये क्या बोल रहे हैं? हाँ बेटे, सुरभि को मरे पूरे 10 महीने हो चुके हैं और आने वाले 2 महीने के अंदर नंदिनी की शादी नहीं हुई तो आने वाले 7 सालों में कोई शुभ काम नहीं कर सकते। ऐसा पुरोहित ने मुझसे कहा है। तुम तो हमारे परिवार से अच्छी तरह से वाकिफ हो ना। देखो बेटे, मेरी बेटी नंदिनी तुम्हें मन ही मन चाहती है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इस मामले में तुम्हें कोई फैसला लेना होगा और तुम्हें भी हम सब बहुत चाहते हैं बेटे। इसलिए हम चाहते हैं कि नंदिनी की शादी तुम्हारे साथ हो जाए, इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है। अच्छा बेटे, तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ मैं। नंदिनी से शादी करने के लिए तुम तैयार हो ना बेटे? नहीं सर, एक दिन नंदिनी भी इसी सिलसिले में बात करने आई थी, मैंने उसे सीरियस नहीं लिया सर। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं सर। अगर नंदिनी से मेरी शादी के बाद आपकी तकलीफ दूर हो जाती है तो आई डोंट माइंड अंकल। मैं नंदिनी को अपनाने के लिए तैयार हूं अंकल। बहुत खुशी हुई बेटे, बहुत खुशी हुई बेटे। इसी महीने की 15 तारीख को, यानी कि शुक्रवार, सगाई की सारी रस्में पूरी कर देते हैं और उसी दिन शादी का मुहूर्त निकलवा देंगे। हाँ। अच्छा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? सुरभि की शादी में भी कहीं नजर नहीं आए। उस भाग दौड़ में मैं पूछना भी भूल गया। गांव में जमीन को लेकर लड़ाई चल रही है। हाँ। दरअसल मैं भी वहीं जा रहा था। ओहो। मैं वहां जाके उन्हें सारी बातें बता के उनको भी साथ लेके आऊंगा। अगर उनकी परमिशन के बिना ये सगाई हो गई तो बहुत बुरा होगा ना बेटे। सर मेरी पसंदी उनकी पसंद है सर। आप सारी तैयारियां कीजिए, मैं उनको लेके आता हूँ। थैंक यू राहुल, थैंक यू। अपने बाप का बदला लेने के बजाय बेटी से मोहब्बत कर ली तुमने है? दरअसल मोती जी बहुत ही अच्छे आदमी है पापा। वो अच्छे आदमी नहीं है, बहुरूपिया है, बहुरूपिया। उसने तुम्हारे बाप का खून क्या है ये मत भूलो तुम। तुम्हें अनाथ बनाने वाला गद्दार है वो। अगर उनकी बेटी से मेरी शादी हो जाएगी तो सारी जायदाद मुझे मिल जाएगी ना। ओहो, बाप के कातिल की बेटी से रिश्ता जोड़ रहे हो हा? मगर इसमें नंदिनी का क्या दोष है? वो नंदिनी कांटों के बीच छुपा हुआ गुलाब है और गुलाब का फूल कांटों पे ही खिलता है बाबूजी। और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मोदी की बेटी से तुम्हारी शादी हो। उस लड़की को अपने दिल से निकाल के फेंक दो। मुझे थोड़ी मोहलत चाहिए बाबूजी, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। शायद आपको पता नहीं होगा बाबूजी, जब से मैं उनके साथ रहने लगा हूँ मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल अनाथ नहीं हूँ बाबूजी, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना प्यार जो दिया है। तुम्हें कुछ पता नहीं राहुल, वो आस्तीन का सांप है, एक ना एक दिन तुम्हारा भी कत्ल कर डालेगा वो। बाबूजी कौन गुनाहगार है और कौन बेकसूर है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। आई एम टोटली कंफ्यूज बाबूजी। ये सब सगाई से पहले कह दिया होता तो मैं इस बेचारी नंदिनी को भूल गया होता। राहुल अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं उस हरामखोर रामचंद्र मोती को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राहुल एक लड़की अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार एक लड़की को चाहती है, उससे प्यार करती है और उसके लिए बहुत सारे सपने संजोती है। वो इसलिए क्योंकि वो उसे चाहती है और मैं जिसे चाहती हूँ वो तुम हो। मेरे प्यार को ठुकरा मत देना राहुल। आई लव यू, आई लव यू राहुल, आई लव यू। अजी ये राहुल कहाँ गया? कल सगाई की रस्म होने वाली है और उसका कोई पता नहीं है। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। न जाने मुझे क्यों डर लग रहा है। अगर ये राहुल सही समय पर नहीं आया तो हमारी मान मर्यादा तो गई समझो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चुप रहो। राहुल का नंबर मेरे पास नहीं है माँ। जायदाद को लेकर कोई झगड़ा चल रहा है ऐसा उसने बताया था माँ। पता नहीं वहाँ क्या चल रहा होगा। डैडी उनके ऑफिस में इंक्वायरी तो कर सकते हैं ना। हाँ टेलीफोन नंबर एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा डैडी। तुम्हारा कहना भी ठीक है, तुम ऑफिस जाकर पता लगाओ, यहाँ का टेंशन मुझ पे छोड़ दो। डोंट वरी डैडी, और आप टेंशन मत लीजिएगा, राहुल जल्दी आ जाएगा। ऐसा ही होगा। जाती हूँ डैडी। हाँ। चलती हूँ माँ, बाय बेटे। Excuse me, sir. Yes. May I come in? Please. क्या चाहिए? राहुल के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए थे। राहुल? नंदिनी तुम्हारे जाते ही राहुल यहाँ आ गया था। इसे अफसोस है कि बहुत देर कर दी इसने। तुमसे मिलने के लिए ही ये खुद चला आया है बेटी, अब तो थोड़ा मुस्कुराओ भी। अच्छा बेटे अगर तुम्हारे माँ बाप भी साथ में आते तो और भी अच्छा होता। जमीन जायदाद को लेके गांव में मुसीबत खड़ी हो गई है। ओह। प्रॉब्लम सॉल्व करके वो जल्दी आ जाएंगे यहाँ। हाँ। सगाई की बात सुनकर वो बहुत खुश हुए और उन्हें मंजूर है। उन्होंने वादा किया कि सगाई के दिन आएंगे सचमुच नंदिनी उन्हें बहुत पसंद है। अपनी बहू से मिलने के लिए वो जरूर आएंगे। तुम नहीं आए तो सगाई रुक जाएगी ये सोचकर नंदिनी बहुत घबरा रही थी। ऑफ कोर्स, यहाँ तक मैं भी। तुम्हारे हाथ ही सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, तुम लंबे सफर से आए हो, थोड़ा रेस्ट कर लो। ओके अंकल। हेलो, फिर शुरू हो गए फोन को। प्लीज चुप रहो। हेलो, ये हमारे फैमिली फ्रेंड है, मेरा जमाई राहुल। मीना, मिसेस लोगो, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। बधाइयाँ हो। थैंक यू। ये मेरे दोस्त का बेटा संजय। 1 सेकंड राहुल, 1 सेकंड। हेलो 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 राहुल, यहाँ आओ। डियर फ्रेंड्स, मेरे घर में जो कुछ भी हो रहा है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। दुर्घटना के 1 साल के अंदर ही कोई भी शुभ काम नहीं होना चाहिए, ऐसा काफी लोगों ने मुझसे कहा था और अभी भी कह रहे हैं। मेरे ही घर में किराए पे रह के हम सबके दिलों में जगह बनाकर हमारे हर सुख दुख में साथ दिया है इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर राहुल ने मेरी दूसरी बेटी नंदिनी के साथ विवाह करने का फैसला किया है और आज उसकी सगाई यहीं पर है। और मैं ये चाहता हूँ कि आज इस खुशी के मौके पर आप सब मिलकर आनंद लें। प्लीज आगे बढ़िए। यहाँ पर आए हुए सारे मेहमानों को मैं स्वागत करता हूँ। Under arrest. हर एक कातिल कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। तुम जब गांव से वापस आ रहे थे उससे पहले मैंने तुम्हारे रूम की खोजबीन करी। तुम जिस मोबाइल फोन को भूल गए उस मोबाइल ने तुम्हारे चेहरे पे से पर्दाफाश कर दिया। तुम्हारे ऑफिस में जब तुम्हारे बारे में इंक्वायरी करी तो राहुल नाम का कोई काम नहीं करता है। सगाई के शुभ अवसर पर तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए ही एसीपी ने और मैंने ये साजिश रची और तुम हमारे बिछाए जाल में फंस गए। तुम्हारी असलियत अब लोगों के सामने है। नंदिनी Don't leave him! Catch him! Mark, quick! मौत के घाट उतारने वाला और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से ताल्लुक रखने वाला आतंकवादी राहुल ग्रेट बिल्डर रामचंद्र मोती के घर को अपना अड्डा बना के वहीं से बैठकर ऑपरेशन करता रहा। उसी ने इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को बम से उड़ा दिया। आखिरकार रामचंद्र मोती की बेटी से आतंकवादी की सगाई होने ही वाली थी कि ऐन मौके पर पुलिस वहाँ पहुंची और वो भाग निकला और रास्ते में उसकी मौत हो गई। साला कमीना मर गया। जब से वो यहाँ पर आया है तब से मेरा हंसता खेलता परिवार उसकी बुरी नजर का शिकार बन गया, ऐसा मुझे लगता है। किसी का लक्ष्य पूरा करने के लिए उस कमीने को आखिर मेरा ही घर मिला क्या? मेरी एक छोटी सी गलती के लिए सुरभि को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। छी, राक्षस मनुष्य बनने के तो लायक ही नहीं था वो। प्रीत और प्यार का तो उससे संबंध ही नहीं था। उससे बड़ा दरिंदा तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मनुष्य के भेष में जानवर था वो। हमने उस पर उपकार किया और उसके बदले में ये सिला दिया उसने। बेरहम कातिल, निर्दयी कहीं का, हमारे विश्वास को खा गया। मेरी सुरभि उसी के कारण गई और मेरी नंदिनी, उसके बारे में सोचते हो तो मुझे बहुत डर लगता है। पापी कहीं का। जो कुछ भी हुआ उसे एक सपना समझ के भूल जाओ। चलो चलते हैं। चलो ना नंदिनी, चलो। अंकल। हाँ, नंदिनी का मन बहुत परेशान है। मैं उसे अपने साथ लेके घुमा कर लाता हूँ ताकि उसका मन शांत हो सके। लेके जाऊँ क्या? जैसा तुम चाहो। चलता हूँ आंटी। ठीक है बेटा। दादी, माँ, मैं जाकर आता हूँ। चलो नंदिनी। हेलो। हाँ सर, अभी निकलता हूँ, अभी आ रहा हूँ। एसीपी का फोन था, मैं उनसे मिलके आता हूँ। होशियारी से रहना। हाँ। सर क्यों देख रही हो? मैं राहुल। तुम जिंदा हो? हाँ। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है नंदिनी। मैं तो सिर्फ अपनी मंजिल ढूंढ रहा था, लेकिन तुमने मोहब्बत के फूल मेरे दिल में खिला के मुझे पागल कर दिया है नंदिनी। कहाँ जाऊँ मैं? मुझे समझने की कोशिश करो। जाने अनजाने में मैंने भी तुमसे प्यार किया है नंदिनी, और तेरे साथ ही रहूंगा मैं। तुम्हारे बिना मैं शून्य हो नंदिनी, शून्य हो। जीवन के हर मोड़ पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा नंदिनी। और मैं ये भी जानता हूँ नंदिनी कि मेरे बिना तुम एक पल जिंदा नहीं रह सकती। नंदिनी मैं तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां दे दूंगा। मेरे साथ चलो नंदिनी। तुम अपनी चिकनी चुपनी बातों में मुझे फंसाना चाहते हो, सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगर पुलिस वालों को पता चला कि तुम जिंदा हो तो वो तुम्हारी जिंदा समाधि बना देंगे। तुम मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकते। अगर मैं तुम्हारे साथ रही ना तो एक क्रिमिनल की बीवी हुई ये सुन के मैं घुट के मर जाऊंगी। यानी कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? तुम्हारे साथ चली चलो। देखो मेरे अंकल आंटी माँ बाप दादी हर कोई जिंदा है, मेरा परिवार है, लेकिन तुम्हारे साथ कौन है? तुम एक अनाथ हो। तुम बुलाओगी तो साथ चली चलूंगी। सोचा एक मिनट और यहाँ रुके तो पुलिस को बुलाऊंगी। अनाथ, अनाथ का मतलब क्या है जानती है तू? हाँ जवाब दे। तुम्हारी माँ बाप सब कोई जिंदा है आज। राहुल अगर उन्हें मार दिया राहुल तो तुम भी अनाथ बन जाओगी। तू मेरे लिए बनी है और मैं तेरे लिए, समझे? ये अनाथ राहुल तुझे भी अनाथ बना के छोड़ेगा। तू गई काम। ना रो बेटा नंदिनी, वो पापी अभी तक जिंदा है, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सच में तुमने उसी को देखा? विश्वास करो माँ, वो अभी तक जिंदा है माँ। नंदिनी नंदिनी खुद को संभालो बेटी। पुलिस में कंप्लेन कीजिए आप। नहीं मम्मी, अगर हमने पुलिस में कंप्लेन कर दी ना तो वो हम सबको वो। नहीं मम्मी ये क्या कह रही हो तुम? आज तक तुम मुझे हिम्मत देती आई हो और आज खुद हिम्मत हार बैठी हो। तुम्हें तो हिम्मत से काम लेना होगा बेटी, हिम्मत को मत हारना। अंकल हाँ? आप तुरंत जाके पहले पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। हाँ? अभी करता हूँ। हेलो हेलो सर, मैं मोती, नंदिनी का पिताजी बात कर रहा हूँ। हाँ मोती साहब, कैसे याद किया? सर कार ब्लास्टिंग में राहुल की मौत हो गई ऐसी अखबार में खबर छपी थी, वो गलत है। वो मरा नहीं सर, अभी तक जिंदा है। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं सच बयान कर रहा हूँ सर। नहीं सर, दरअसल कार ब्लास्ट में उसका जिंदा रहना नामुमकिन ऐसा हम लोगों ने सोचा था सर। सर सच्चाई को छिपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आज उसकी वजह से हम लोग भी खतरे में पड़ गए हैं। सर प्लीज सर, दया करके ये बात आप किसी से मत कहिएगा, इसे अपने तक ही सीमित रखिएगा सर। सर अगर ये बात बाहर फैल गई तो पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी हो जाएगी सर। प्लीज सर हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए सर। मैं 24 घंटे में उसे गिरफ्तार करके लॉकअप में डालकर आपको सूचना दूंगा सर, भरोसा रखिए। तुम एक अनाथ हो, तुम प्यार करने के काबिल नहीं। अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो सिर्फ लोगों की जान लेना। तुम्हें माँ बाप का प्यार नहीं मिला है, लेकिन मुझे मेरे माँ बाप का प्यार मिला है। मैं खुश नसीब हूँ। तुम जैसे एक अनाथ से शादी करके मैं अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों करूँ? तुम एक अनाथ हो, आतंकवादी हो। रामचंद्र मोती तुम्हारे बाप का कातिल है और उसकी माँ ने तेरी माँ को जहर दे के मारा है। तुम्हें मेरे माँ बाप ने एक बेटी का दर्जा दिया, लेकिन तुम तो आस्तीन के सांप निकले। ओहो, बाप के कातिल की बेटी से इश्क हो गया तुझे। वो क्या है? अब मैं क्या बोलूं? क्या बात है भाई साहब, मुझे इतनी दूर बुला के आप खामोश खड़े हुए हैं? जो कुछ भी है खुल के बोलिए ना। नहीं बहन जी, बात तो बहुत है करने के लिए, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही है। देखिए आपके दिल में जो बातें मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप नंदिनी की शादी मेरे बेटे सतीश से कराना चाहते हैं। लक्ष्मी देखिए, अगर दुख में मैंने आपका साथ नहीं दिया तो इतने सालों की दोस्ती का भला क्या मतलब रहेगा। लक्ष्मी देखिए आप बेफिक्र रहिए, नंदिनी आज से हमारे घर की बहू है। थैंक्स। जानकी जानकी वहाँ क्या कर रही हो? अरे रे रुको ना थोड़ा। माँ माँ, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, अगर तुम भी शामिल होती तो अच्छा होता। नहीं बेटे, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम लोग हो आओ। मैं यहीं रुकती हूँ। देखिए आप अकेली रहेंगी तो मेरा दिल डरता रहेगा। कोई बात नहीं बेटी, मैं वहाँ आके क्या करूँगी? मोती, नंदिनी सब है ना, तुम हो आओ। अगर आप भी आएंगी तो अच्छा रहेगा। जानू, माँ को आराम करने दो, हम होके आते हैं। देखो मम्मी, दादी को आराम करने दीजिए, हम लोग घुमाते हैं। कम ऑन मम्मी, अपना ख्याल रखना। हाँ माँ, अपना ख्याल रखना माँ। तुम्हें डर लग रहा है? सुनो, तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे तुम पे दया आ रही है दादी। नंदिनी के लिए तुम लोग हो, लेकिन मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मैं एक अनाथ हूं। अनाथ का मतलब क्या होता है, मैं उसे समझाना चाहता हूं। जब तक वो अनाथ नहीं बनेगी उसे पता नहीं चलेगा। उसे अनाथ बनाने के लिए मुझे सबसे पहले तुम्हारा खून करना पड़ेगा, लेकिन इन हाथों से मैं तेरा खून नहीं करूंगा, तुम खुद मरोगी। तुम्हें मरना होगा, मरिए दादी। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। दूरियां नजदीक। मैंने माँ से कहा था कि लाइट ऑफ करके टीवी मत देखा करो। बाप रे क्या गर्मी है। माँ, आने वाले इस महीने के शुक्रवार को सुबह 7 से 8:30 को बहुत अच्छा मुहूर्त है। अभी और 25 दिन बाकी है। मैं लक्ष्मी को खबर करता हूँ। गर्मी इतनी है कि इसमें तो बाहर आना जाना ही मुश्किल हो रहा है। माँ जी देखो, तुम्हारे लिए कांची सिल्क की लेटेस्ट डिजाइन लेकर आई हूँ, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। बॉर्डर देखो कितना शानदार है। ये क्या दादी, आप चुप क्यों बैठी हैं? लक्ष्मी, तुमने जो कहा मैंने जो कहा वो सही निकला ना। सारी तैयारियां मैं कर लूंगा, तुम जल्दी से आओ। ओके जी को साड़ी बहुत पसंद आएगी, कलर ही कितना अच्छा है। है ना नंदिनी? हाँ मम्मी। दादी, माँ, ए माँ। दादी, हाँ माँ, ये क्या हुआ? माँ जी, माँ जी क्या हुआ? तुम्हें क्या हो गया? माँ जी हमें छोड़कर चली गई। माँ जी, माँ जी हमें छोड़कर चली गई। हे भगवान, हमारी रक्षा करना, सदा हमारे साथ रहना भगवान। हे प्रभु। गंगा स्नान करने से तुम्हारे पाप नहीं मिटेंगे सासू माँ। ये कलयुग है, कर्म का फल उसी वक्त मिलेगा। भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली या फिर मेरी प्रार्थना सुन ली, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब तक मुझे मेरी नंदिनी नहीं मिल जाती तब तक तुम सबको मेरी निगरानी में रहना होगा सासू माँ। सासू माँ, चलिए बैठ के बातें करेंगे। पसीने से दर्द क्यों हो रही है? अरे सासू माँ, मैं ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहता हूँ, इसलिए मुझे एक मौका दीजिए ना। नहीं तो मेरे अंदर का शैतान जाग जाएगा और वो शैतान नरबली की मांग करेगा सासू माँ, और उसे संतुष्ट करने के लिए मैं कोई भी हद पार करने को तैयार हूँ। इन खूबसूरत हाथों से अपनी बेटी को दुल्हन बना दो सासू माँ। जब से होश संभाला है तब से मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, और माँ का प्यार क्या होता है ये भी नहीं जानता मैं। तुम्हारी बेटी के प्यार में मैंने सब कुछ भुला दिया है। तुम भी एक माँ हो और तुम्हारी तड़प मैं जानता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हारी बेटी नंदिनी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर नंदिनी नहीं मिली तो तुम्हारा स्वाद उधर जाएगा। You may go now। मैंने उसे बहुत अच्छा आदमी समझा था, लेकिन वो तो बड़ा ही दरिंदा निकला। वो तो नरबली की बात कर रहा था। उसने कहा कि वो तो मेरा सुहाग उजाड़ देगा। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे पापा को कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रह सकती हूँ? मैं तुम्हारे पापा से अभी बात करना चाहती हूँ। फोन लगाओ तुम्हारे पापा को। नहीं माँ, अभी लगाओ जल्दी से। शांत तो चाहिए माँ। हे भगवान, फोन नहीं मिल रहा है, आउट ऑफ रीच आ रहा है। हेलो एसीपी साहब जी, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है? उसे जल्द से जल्द अरेस्ट करूंगा सर। चाहे जो भी हो, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। माँ के मर जाने के बाद पूरा परिवार शॉक में डूबा हुआ। चलता हूँ। ओके, बाय बाय सर। ये गेटमैन, दोनों गेट क्यों बंद कर दिए? मैं कैसे जाऊंगा? राहुल, गाड़ी आ रही, जल्दी से खोलो इसे, जल्दी खोलो। अरे सुनो, ए क्या ना? नो, तुम्हें पता है उस मोती का घर शमशान हो गया है। बेटी मर गई, दादी मर गई और वो भी मर गए हैं। सर, दादी की मौत स्वाभाविक थी, मोती की मौत तो एक्सीडेंट में हुई है। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने देखा ना, उनके हाथ में हथकड़ी थी और वो भी स्टीयरिंग के साथ बंधा हुआ था। इससे साफ जाहिर होता है किसी ने जानबूझकर उनका मर्डर किया है। जहां तक मैं समझता हूँ उस वारदात के पीछे उसी टेररिस्ट का हाथ होगा। एसीपी साहब ठीक कह रहे हैं सर। आप दिमाग चटना बंद करके कातिल को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अब उसे पकड़ने के लिए हमें चारों तरफ जाल बिछाना होगा। शहर के चारों तरफ अपने मुखबिर को भेजो, कोई ना कोई सुराग मिलेगा। ओके सर। इस तरह से खामोश क्यों बैठी हो नंदिनी? प्लीज मुझसे कुछ बोलो ना। ना जाने तुम्हारे सुखी परिवार पर किसकी बुरी नजर लग गई। सुरभि, दादी, अंकल सब बेमौत मारे गए। ये सब क्यों हुआ जानती हो? अंकल ने जिसको अपना समझ के मदद की उसी कमीने ने तुम्हारे सुखी परिवार को दिया। नंदिनी तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे साथ मैं जो हूँ ना, मुझ पे भरोसा करती हो ना। मुझे दुख इस बात का है कि तुम सब पढ़े लिखे होकर उसके जाल में कैसे फंस गए। उसने प्लान करके ही अंकल को, सुरभि को, दादी को मौत के घाट उतारा है। तुम चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम पर एक भी आंच नहीं आने दूंगा। नंदिनी प्लीज, तुम्हें इस तरह रोते हुए देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। मैं तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ मुस्कान देखना चाहता हूँ। देखो नंदिनी, अब तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। नो नो नंदिनी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हें बचाऊंगा। यस, अगर वो कमीना मेरे सामने आ गया तो मैं उसकी जान लेकर रहूंगा, ये मेरा वादा है नंदिनी। आज ये राह तुमको हमेशा के लिए ऊपर भेज के ही रहेगा। ए, गाड़ी रोको। नंदिनी, हे, तू नंदिनी से क्या बात करता है? नंदिनी मुझसे बात कर। ओ, इसकी जान लेके रहूंगा मैं। संजय, रुक, भागता क्या रहा है? क्या सोचते थे कि चकमा दे के बच जाओगे? चले क्या? बोलो, तुम किसके इशारे पे ये सब कर रहे हो? मेरी जान भी चली जाए लेकिन बताऊंगा नहीं। इसको इतना मारो कि ये सच उगल दो। बोल, तेरे साथ कौन कौन है? कबूल बे, किसके लिए कर रहा है तू? और कौन कौन है? कहाँ है तेरा अड्डा? पानी मेरे लिए नहीं, मुझे मार मार के तुम्हारे साथ थक गया हूं, उन्हें पिलाओ। तेरी झाड़ का, तुझे पानी से नहलाता हूं हराम के ढक्कन। हे, बता तेरा फ्यूचर प्लान क्या है और कौन कौन है तेरे साथ? इतनी सी बात जानने के लिए तुमने मुझे मारा, अगर पहले ही बता दिया होता। सुनो, मेरी बहुत सारी डिमांड्स है, उसे तुम पूरी कर दो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तुम्हारी डिमांड अगर मेरी लिमिट में है, आई डोंट माइंड। मेरी डिमांड को पूरी करने के लिए ऐसे काफी है साहब। ठीक है, बोलो। तुमने मार मार के मेरी आवाज बंद कर दी है और मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए खाने के लिए एक मटन बिरयानी और पीने के लिए एक चिल्ड बियर चाहिए। सारा बदन दुख रहा है, इसीलिए गर्म पानी से नहाना चाहता हूँ। उसके बाद तुम्हारे सवालों का जवाब खुद ब खुद आ जाएगा। एक मिनट, क्या है? तुमने मुझे इतना मारा कि मेरे हाथ नहीं उठ रहे हैं। जरा पानी डाल दो ना, ये हाथ उठ नहीं रहे हैं। थोड़ा पीठ रगड़ दोगे? More. अगर तुम्हें मेरी जान चाहिए तो मैं दे देता, पर मारने की क्या जरूरत थी? मैंने उसे काफी टार्चर किया सर, लेकिन उसने अपना मुंह तक नहीं खोला। वो छटा हुआ जरान पेशेवर है सर, उसे अपनी जान नहीं है। अब क्या करूं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब जान की फिक्र नहीं है तो तुम जान क्यों नहीं लेते? सर इनकाउंटर करके समाधि बना दूं क्या? इनकाउंटर करके उसकी समाधि बना दो, बिल्कुल चिंता मत करो तुम। इनकाउंटर की तैयारी करो विदाउट हैंडकफ। मिस्टर प्रताप। यस सर। यह है मिस्टर प्रताप, इनकाउंटर में तुम्हारी मदद करेगा। पुलिस वाले अच्छे लोग हैं, यारी में जहां तक लुटा देते हैं। एक काम करो, इसे ले जाके वहां पे रख दो। ले जाओ। अब आप आइए। आओ माँ। बैठिए। आप जरा कुछ घास लेके आइए। नंदिनी, क्या हुआ? उसने पंडित जी को मार डाला। और मम्मी कहाँ चली गई? आंटी! अरे जानकी, मम्मी! जानकी! आंटी! जानकी! आंटी! जानकी कहाँ हो? आंटी! आंटी! जानकी! आंटी! मम्मी! जानकी! मम्मी! मम्मी छोड़ दो मुझे, मुझको मार डाला उसने। छोड़ दो, जाने दो। मम्मी मम्मी छोड़ दो मुझे। सॉरी मैडम, डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। लगता है आप कहीं दूर जा रही हैं। हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं, अगर आप आकर आइडेंटिफाई करेंगी तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में मदद होगी। मदद करेंगी ना? जरूर सर, आप भी आइए। संजय, मैं भी आऊँ क्या बेटा? नहीं माँ, आप अंदर ही बैठिए। ठीक है। Thank you, sir. Be careful. Happy journey. Okay. Thank you. हाँ? हाँ? माँ? बाजी! माँ! बाजी, बोलो क्या हुआ? बाजी! बाजी! क्या हो संजय, कोई जरूरी बात करनी है क्या कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? नंदिनी, शादी करना शायद हमारी किस्मत में नहीं लिखा है। मैं शादी नहीं करूंगा। मेरी माँ, देवी जैसी मेरी माँ को उसने मार डाला। अब मेरा कौन है इस दुनिया में जो मेरी शादी करके देखेगा? बरसों से मेरी माँ की तमन्ना थी कि मेरी शादी करके देखे, मगर वक्त आया तो मेरी माँ ही नहीं रही। जब मेरी माँ ही इस दुनिया से चल बसी तो अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है नंदिनी। संजय, अपनी खुशी के लिए तुम्हें अपराधी बना दो, इतनी खुदगर्ज नहीं। तुम ये क्या कर रही हो नंदिनी? हाँ? हाँ? खुदगर्ज तो वो है। क्या देख रही हो? क्या तुम ये भूल गए कि तुम्हारी खातिर मेरी माँ को भी मैंने खो दिया है? मेरी बात छोड़ो, अंकल, आंटी, दादी, सुरभि, इन सब को किसने मारा था? इन सब की वजह कौन है? तुम। और अब तुम चाहती हो कि मैं भी अपनी जान गंवा दूं? ये क्या कर रही हो तुम? इसे मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। तुम चाहो तो इसे छोड़ सकते हो या जो चाहो इसके साथ कर सकते हो। गुड बाय। संजय, ये तुम्हें चाहिए, ये डरपोक तुम्हें चाहिए कि मुझसे प्यार देगा तुम्हें? ये कभी नहीं दे सकता, कभी भी नहीं। मैं अपनी जान दे दूंगा, मगर अपनी जान से प्यारी नंदिनी को कभी नहीं छोड़ूंगा। क्यों मारा तुमने मेरे संजय को? ये अन्याय है। क्यों किया तुमने? मैंने अन्याय नहीं किया, बल्कि न्याय किया है। सिर्फ इसे ही नहीं, तुम्हारे सारे परिवार को मैं नहीं ऊपर पहुंचाया। क्या कहा? तुमने मारा? Yes, Rahul, the master of human bomb. इस देश के डिफेंस मिनिस्टर को मैंने ही मार डाला। तुमने मेरा अपमान किया अनाथ कह के, और आज मेरी तरह तुम भी अनाथ हो गई हो। और आज तुम जैसे एक अनाथ को मुझसे बेहतर कोई दूल्हा मिलेगा नहीं। मैं अपनी जान दे दूंगी, पर तुम्हारी दुल्हन नहीं बनूंगी। जिद मत करो, मेरी बात सुनो नंदिनी, प्लीज मेरी बात सुनो। तुम ही मेरे सब कुछ हो नंदिनी। अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मैं फिर से अनाथ बन जाऊंगा नंदिनी। अनाथ का मतलब मैं जानता हूँ, जानती हूँ। मैं भी ISI बनकर देश की सेवा करना चाहता था नंदिनी, लेकिन मेरी किस्मत ने धोखा दे दिया मुझे। फिर भी मैंने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी। तुम जो मुझे मिल गई हो नंदिनी, मैं तुम्हारे प्यार के सहारे बाकी की जिंदगी जी लूंगा नंदिनी। अरे जो कुछ भी हुआ अनजाने में हो गया। तुम्हें देखे बगैर मैं खाना नहीं खा सकता नंदिनी। सच कहता हूं, मैं तुम्हारे पल एक पल भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। सुनो सुनो, तू अगर मुझे छोड़ के चली गई ना नंदिनी, हाँ मैं मर जाऊंगा। तुम्हारी कसम मैं मर जाऊंगा नंदिनी, मैं मर जाऊंगा। मुझे समझने की कोशिश करो, मेरी बात मानो नंदिनी प्लीज। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं नंदिनी? मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए नंदिनी, प्यार चाहिए नंदिनी प्लीज। नंदिनी मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए नंदिनी प्लीज। बात मेरी बात समझने की कोशिश करो नंदिनी प्लीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी नंदिनी प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें एक अच्छा आदमी समझा था। मेरी जिंदगी का पहला प्यार सिर्फ तुम ही थे। तुमने उस प्यार को झूठा साबित कर दिया। हर लड़की अपनी जिंदगी में शादी के सपने देखती है। हर लड़की सोचती है कि उसकी जिंदगी में जो लड़का दूल्हा बन के आए वो एक अच्छा और सच्चा आदमी हो। तुमने प्यार का छोटा सा संसार बसने से पहले ही उसे उजाड़ दिया। मैंने तुम पे भरोसा करके तुम्हें अपना दिल दे दिया, मगर तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया मुझे। जिस परिवार ने अनाथ होने के बावजूद तुम्हें अपना माना, उसी परिवार की खुशियाँ लूट ली तुमने अपनी गंदी जुबान से। इसके बाद मेरा नाम कभी मत लेना, तुम उसके काबिल नहीं हो। तुम एक जानवर हो। तुमने जो मेरे साथ किया, मेरे परिवार के साथ किया और इस देश के साथ किया, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और वो सजा मैं दिलाऊंगी तुम्हें। तुम मुझे सजा दिलाओगी? नहीं नंदिनी, मेरी परीक्षा मत लो तुम। तुम्हारी क्या परीक्षा लूं? अब बाकी ही क्या बचा है मेरे जीवन में? ज्यादा से ज्यादा मुझे मार डालोगे ना? कम ऑन नंदिनी, नंदिनी। धरती के लिए बोझ हो।